इधर पूरा पत्थर को कलरिंग कर दिया गया, यूनिक किया गया है। तो अभी सांस फूलने लगा, देखते हैं ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। हालत खराब हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का मूर्ति है। फ्रेंड्स पिकनिक भी खाने आए हैं लोग, पूरा पिकनिक चालू है यहाँ पे। दांत निकल के ना बहुत जोर काट रही है। चलो जाएगा गाड़ी में, जाएगा गाड़ी में जाएगा टुकलो। चलो उधर बिकी भैया है तो सब लोग हैं, उधर बैठे हैं फूफा और बुआ, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग अभी निकल के एक्चुअली जा रहे हैं सिलखुंग मंदिर, इसके अंदर इस सबसे नहीं आ सकते हम लोग। एक्चुअली इधर मेन रोड से होके उधर आगे जाना पड़ेगा, आगे से इधर जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा मंदिर है एक्चुअली, पहाड़ के ऊपर है। तो चल रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, थोड़ा दिखाते हैं मंदिर कैसे है क्या है। फ्रेंड्स आगे पहुँच गए हम लोग और इधर सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से एकदम आगे तक जाना पड़ेगा। तो फटाफट से चल रहे हैं हम लोग। इधर देखिए बाबू आ रही है, टिकली भाभी सब लोग आ रहे हैं। तो चल रहे हैं फटाफट से मंदिर, और मंदिर के ऊपर से दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ऊपर जाना, देखिए उधर है वो कलर दिख रहा है उधर, उधर से पूरा जाना पड़ेगा आगे, उधर से आगे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट से, सारा कुछ दिखाते हैं आप लोग। कन्नी सिलखुंग शिव मंदिर, तो चलते हैं अंदर। बहुत बढ़िया देखिए पूरा ये सब, क्या मस्त लग रहा है। इधर बजरंगबली जी हैं और इधर भी हैं भगवान जी। इधर पूरा पत्थर को कलरिंग कर दिया गया, यूनिक किया गया है, ये यूनिक लग रहा है ना। मैंने कलरिंग कर दिया पत्थर को, पहले नहीं था। हाँ ये सब पूरा कलरिंग हो गया, देखिए बढ़िया से एकदम पूरा उधर पूरा सब कुछ कलरिंग कर दिया गया है, पत्थर उत्थर को। और सीढ़ी देखिए, पूरा सीढ़ी नहीं था ना यहाँ पे, सीढ़ी था माया से और अच्छा कर दिया, रिपेयर कर दिया। हाँ और कलरिंग कर दिया ना, ये सब बढ़िया लग रहा है। उधर भी एक पत्थर रखा हुआ है वहाँ पे, भगवान का मूर्ति एक्चुअली बढ़िया। इधर से ऊपर जाना पड़ेगा हम लोगों को। अरे टिकली को देखिए कहाँ बैठ गई, ओए बहुत ऊपर जाना है। ऐसे चलते चलते एकदम आगे तक, बहुत आगे तक उधर वहाँ तक। तो अभी सांस फूलने लगा, देखते हैं ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। हालत खराब हो गया ना, नीचे से आए हम लोग, तो ऊपर से सीढ़ी से तो दिख रहे हैं बहुत खतरनाक। नीचे से आए हैं तो आगे मंदिर के पास, और इधर मंदिर इधर ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। दो कदम में मंदिर है ऊपर। तो भैया लोग आगे बढ़ गए एक्चुअली, तो चलता हूँ मैं। मेरा सांस फूलने लग रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। जैसे इधर बढ़िया सा मंदिर है देखिए पूरा, देखिए इधर एक मंदिर है इधर, और इधर बाबा भिखारी हैं, इधर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ जलाए हैं पंडित जी, है ना। हाँ पूजा वूजा आप लोग ही करते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, पंडित जी हैं, पूजा वूजा करते हैं यहाँ पे। ये मंदिर स्थापित किया गया था 1974 में, गारे महानंद बाबा जो पहले बाबा थे, तो उनका यहाँ प्रतिमूर्ति यहाँ पे लगा के रखा गया है। पहले बाबा थे यहाँ पे, मतलब जो जिन्होंने पूजा स्टार्ट किया। बाबा का एक्चुअली देहांत हो गया, कब देहांत हुआ बाबा का, 5 वर्ष हो गया, 5 साल हो गया ना, 5 साल पहले एक्चुअली बाबा का देहांत हो गया। तो यहाँ पे उनका स्थान बनाया गया है, और इधर बढ़िया शिव जी का मंदिर है। इधर भी शिव जी का मंदिर है ना, इधर भी शिव जी का मंदिर है, और बढ़िया है मंदिर पूरा एकदम ऊपर है, पूरा पहाड़ के ऊपर आना पड़ा हम लोगों को ट्रैकिंग करके। और बहुत दिन से ट्रैकिंग नहीं किया हो ना, जिससे मेरा सांस भी फूलने लगा, तो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। इधर चलते हैं अंदर, पूजा वूजा हो रहा है, देखिए पूजा कर रहे थे भगवान का, शंकर भगवान का मंदिर है पूरा, देखिए पूरा बड़ा वाला पत्थर है, और इसके अंदर भी मंदिर है, इधर गुफा है। एक्चुअली यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, तो इसे गुफा के अंदर मंदिर है। भैया लोग वहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं अंदर। वीडियोग्राफी एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मंदिर है। और ये बड़ा सा पत्थर के अंदर शिव जी का मंदिर, मतलब बहुत ही खतरनाक। और ऊपर भी मंदिर है शायद, बोल रहे थे पंडित जी, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया, इधर ऊपर चढ़ के देखता हूँ ऊपर भी अगर कोई मंदिर होगा तो देखते हैं। ऊपर चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का मूर्ति है, और ये बड़ा सा पत्थर का इस साइड में है, और इसके अंदर गुफा के अंदर भी मंदिर है, पूजा हो रहा है वहाँ पे। और इधर भी शिव जी का है, देखिए पूरा ये सब बना के रखा हुआ है। मतलब भगवान के दरबार पे आने से एक अलग ही आनंद आता है। अगर आप लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इधर से ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं ऊपर जाके, बढ़िया मतलब। और इधर से भी नीचे जाने का रास्ता है, उधर से भी नीचे जाने का रास्ता है, और बीच में बड़ा सा पत्थर है। देखिए हिली एरिया में एक्चुअली जो मंदिर होता है ना, उसमें आके अलग ही आनंद लगता है। लास्ट टाइम हम लोग केदारनाथ भी गए थे, अगर आप लोगों ने केदारनाथ का ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिएगा। केदारनाथ गए थे, केदारनाथ भी ट्रैकिंग वगैरह किया था, बढ़िया से घूमा था, हमें महादेव जी का दर्शन किया था, बहुत अच्छा लगा था। तो सब जगह पूरा घूमे थे हम लोग, और यहाँ पे भी अभी जो आया ना मैं, बहुत बढ़िया लगा। अभी ट्रैक थोड़ा करने में दिक्कत हो रहा है, मेरा सांस फूल रहा है, थोड़ा सा वेट बढ़ गया मेरा कहीं ना कहीं, तो प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। तो इस वजह से मतलब चलने में और बोलने में भी परेशानी हो रही है, थोड़ा सांस फूल रहा है, एकदम फूल रहा है, तो इसे थोड़ा सा असुविधा हो रहा है। और मंदिर बहुत सारा है यहाँ पे, देखिए और एक शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। इस साइड से आएंगे तो यहाँ पे एक और शिव मंदिर है शिव जी का, और इधर भी एक पूजा करने का स्थल बनाया गया है यहाँ पे। देखिए तुलसी माँ है, शिव जी हैं, सारा कुछ है, अलग प्रकार का आनंद आता है, और मतलब शांति मिलता है मन को यहाँ पे आके, तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक मंदिर जैसा है, देखिए
इधर भी एक मंदिर है, इधर विष्णु जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी पूरा घेर के रखा हुआ है, उधर मेन मंदिर है नीचे तरफ, और ये पूरा मंदिर है। और इसका यू टर्न है रास्ता, एक्चुअली इधर से भी ट्रैकिंग है, इधर करके नीचे आ सकते हैं, इस मंदिर में घुसेंगे, और इधर से भी जाके इस मंदिर में घुसेंगे। तो दोनों तरफ से यू टर्न में ये पूरा पत्थर है, और इसके यू शेप में पूरा रास्ता है। और ऊपर अगर ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ऊपर भी जाकर ट्रैकिंग कर सकते हैं आप लोग, पहाड़ के ऊपर। हमें कोई गाइड वगैरह नहीं है, लेकिन खुद से जाकर ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ लगा के लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर चलेंगे नीचे। फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने घूम लिया यहाँ पे, और एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरी वाइफ नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लग रहा था मनीष, बहुत से ज्यादा ही अच्छा लगता है। मिसिंग है थोड़ा, मतलब वो कुछ कुछ बोलते रहती है ना, तो वही थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग उसको, तो थोड़ा आती तो अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया से एंजॉय कर पाते। एक्चुअली सबको ही आया है, बस वही नहीं आई है, तो वो आती तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे घूम लिए मंदिर में, बढ़िया लगा। और एक्चुअली मंदिर है ना, इस पे से उसको ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मंदिर जब भी जाता हूँ उसी के साथ ही जाता हूँ, अकेले मैं कहीं नहीं जाता हूँ उसको छोड़ के। तो इस बार भैया के साथ एक्चुअली ट्रिप अचानक प्लान हो गया तो आना पड़ा, नहीं तो मैं उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाता हूँ, उसको लेके ही जाता हूँ। तो इस बार नहीं ला पाया, तो नेक्स्ट टाइम उसको लेके आऊँगा। और अच्छा लगा यहाँ पे घूम के, और नेक्स्ट टाइम उसको यहाँ पे लेके आऊँगा घुमाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट से, क्योंकि घर भी जाना है, लेट हो रहा है। फ्रेंड्स पिकनिक भी खाने आए हैं लोग, पूरा पिकनिक चालू है यहाँ पे, पिकनिक का माहौल है, मतलब आके एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अलाबंदा टाउन से 5 किलोमीटर अंदर है यहाँ पे, चिकनी टी स्टेट बोलते हैं यहाँ पे, सिलकुरुंग मंदिर। तो यहाँ पे आ सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मस्त और फर्स्ट क्लास जगह है घूमने का। ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं वहाँ में जाकर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और पिकनिक वगैरह भी खा सकते हैं। तो हम मंदिर से निकल चुके हैं, चलते हैं सीधा ऊपर, इधर ऊपर सीढ़ी से जाना पड़ेगा ऊपर, आगे गाड़ी पार्क है तो गाड़ी में चलते हैं। फाइनली हम लोग घूम के आ गए, और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो सब लोग इधर ही बैठे हैं, सबको विदाई देने के लिए हम लोगों को। तो हो गया, इधर रेडी है टिकलू रेडी, भाभी रेडी, सबको ही रेडी। और इधर भाभी हैं, बाबू है, बाबू सोया हुआ है, उधर बाबू मोबाइल चला रहा है। तो चल रहे हैं अभी, बाय बाय बुआ, फिर से आएंगे, बाय बाय बिकी भैया, बाय 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 बाय। ये तो साथ में जाएगा लोग, ठीक है। तो चलते फटाफट से, देर हो गया, गाड़ी बाहर में ऑलरेडी पार्क करके रखा हूँ, तो चल रहे हैं फटाफट से, क्योंकि लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 3:00 हो गया है, तो जाते जाते रात हो जाएगा, तो जल्दी से निकल रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग अभी निकल गए हैं बुआ का घर से, और फर्स्ट क्लास खाना वाना खाया हम लोगों ने, वहाँ पे लंच किया, और हमसे निकल गए मंदिर घूमे। मंदिर एक्चुअली बुआ का घर से ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास था, मतलब पहाड़ के ऊपर हम लोग गए, तो बढ़िया मंदिर था। और इधर भी देखिए पहाड़ का व्यू मस्त लग रहा है यहाँ से, अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी एक्चुअली हम लोग जोरहाट जा रहे हैं, पहले देखते हैं जोरहाट से आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे, अगर मतलब दिन के ऊपर डिपेंड है, रोशनी रहा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करेंगे, स्टे करेंगे नहीं तो जोरहाट में। तो अभी तक श्योर नहीं है, अभी फिलहाल निकले हैं यहाँ से, अब देख लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी प्रॉपर से चलते हैं, क्योंकि अब एक जो यहाँ का बूढ़ा पहाड़ है ना, बूढ़ा पहाड़ जल्दी पार कर लेना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा टर्निंग वाला रोड है ना, रात को बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए, बहुत फास्ट गाड़ी आता है, तो इस वजह से जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बोका घाट, आके पहुँचे अभी, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, थोड़ा पेड़ा यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली, तो पेड़ा और चाय खा लेंगे थोड़ा सा सब लोग। बाबू भी थोड़ा सा तंग हो गए, सब कोई दिक्कत हो गया, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा हो गया ना हम लोग का निकला हुआ, 3:30 बजे निकले थे, तो बहुत लेट, 4 बजे निकले, 5:30 बजे गया, तो 1 hour 30 minutes हम लोग नॉन स्टॉप ड्राइव किए, तो हालत खराब हो गया थोड़ा सा, थोड़ा चाय पीते हैं, और यहाँ का पेड़ा फेमस है तो खा लेते हैं, फिर से निकलेंगे और जर्नी स्टार्ट होगा। ये भी जा गई, ये सो गई थी, सो गया था बाबू, उठ गया, चलो चलो कुछ खाएंगे, चलो चलो कच्चा, और इधर पेड़ा, यहाँ का फेमस पेड़ा, अच्छा लग रहा है पेड़ा, बहुत टेस्टी टेस्टी है ना, देखो टेस्ट करके बताता हूँ, बढ़िया लग रहा है, चाय पी लेते हैं प्रॉपर से। इसको देखिए आराम से बैठ के सबको देख रही है। चाय पी के हो गया बोका घाट होटल में, स्वागत होटल में एक्चुअली। और देखिए इसको मेरे पास आना चाह रही है गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन इसको गाड़ी चलाने में दूंगा नहीं, क्योंकि अभी रास्ता ना बहुत घुमाव रास्ता है। तो जल्दी से निकल चुके हैं, फटाफट चल रहे हैं, अब जोरहाट यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। हम लोग आगे पहुंच गए जोरहाट, और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय आ गया, देखिए अभी तो पीने लगा, खा के खत्म भी कर दिया मनीष ने, बहुत फास्ट है भाई, भूख लगा था बहुत ज़्यादा। अब मेरा मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है, नींद पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग एक्चुअली जा रहे थे, लेकिन मैं चला नहीं पा रहा था, मुझे दिक्कत हो रहा था, तो भाभी के घर पे ही घुस गए, आज ही पे रुक जाएंगे, कल सुबह फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ, मेरा हैंग हो गया माथा, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पहले चाय पी के थोड़ा सा फ्रेशनेस आएगा, चाय पी लेता हूँ। मस्त आग जल गया है, देखिए बहुत ही खतरनाक, और बहुत ताप है आग में। मैं काजीरंगा में गया था लास्ट टाइम, काजीरंगा लेकिन मस्त आग, मेरे पापा जी जला दिए हैं, मतलब मजा लग रहा है, पूरा ताप देखिए ना, बहुत खतरनाक ताप आ रहा है, तो जुगाड़ मतलब ये सब जुगाड़ मजा लगता है। एक्चुअली काजीरंगा में हम लोगों ने थोड़ा सा आग उग जलाया था, लेकिन उसके बाद तो वहाँ पे जाके नहीं हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे मस्त लग रहा है, एक कुछ ज्यादा ही ताप दे रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन रात में बैठे थे ना काजीरंगा में, 10-11 बजे था हम लोग का, 10-11 बजे अरे पूरा इंजॉय कर रहे हैं आग, ज्यादा इंजॉय ही कर रहे हैं, अरे पापा जी सारा कुछ कर रहे हैं, देखिए वाह वाह,
खतरनाक आग का प्रबंध कर। हम लोग आगे अभी सोने के लिए मस्त एकदम डिनर विनर हो गया और आग थोड़ा सा ताप लिया हम लोग, अच्छा लग गया। तो एक्चुअली बारिश होने लगा था इसलिए हम लोग आग बुझा के आ गए सोने के लिए। मुझे बहुत जोर का नींद लग रहा है और देखिए इधर भैया सो गए, इधर ये भी सो गए, दोनों सो गए मुझे छोड़ के। तो मैं भी चलता हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत जोर का नींद लग रहा है। गाड़ी चला के आना, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो बहुत जोर का नींद लग रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आपको मिस होने से फिर मिलते हैं। मिलते कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय, सी यू टुमारो, बाय। अब क्या दोपहर का क्या खाना?